देखिए डुगु बुगु को कितना बदमाशी कर रहा है। सो पेपर पढ़ रहा है अभी। नहीं डुगु बुगु क्या कर रहा है? देखिए पढ़ाई कर रहा है अभी पेपर ना। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वो एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों तो हम सब भी ठीक है और डुगु बुगु एकदम ठीक ठाक है। ये देखिए पूरा स्वेटर मोजा एकदम लगा लिया है ना, काहे कि ठंडा हो गया है इधर। पानी तो एकदम देख रहे हैं हर तरफ पानी एकदम आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग स्वेटर वेटर लगा के और एकदम सोते सोते इतना थक गए हैं कि लग रहा है कि और सो जाए। नहीं डुगु हो हाँ इतना सब थक गए हैं सोते सोते कि लग रहा है कि और सो जाए हम लोग। और तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए अभी जाते हैं थोड़ा बाहर तरफ घूमते हैं, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। सो ना डुगु हाँ तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए एकदम बाहर का मौसम कैसा है। सो बाहर का नज़ारा एकदम पूरा बादल है, लग रहा है फिर पानी आएगा आज। और ये देखिए एकदम बकरी सब पूरा ठिठर रही है ठंडा के कारण, पूरा सिकुड़ गई है ना बकरी सब। डुगु बुगु को कितना बदमाशी कर रहा है। सो पेपर पढ़ रहा है अभी। नहीं डुगु बुगु क्या कर रहा है? देखिए पढ़ाई कर रहा है अभी पेपर ना। पूरा ठंडा आ गया है, इतना पानी आ रहा है तो इसीलिए स्वेटर वेटर पूरा लगा के है। मार्शल भी पूरा फोन देख रहा है एकदम। और डुगु बुगु तुम अच्छा से पढ़ाई करो हाँ। और ये देखिए हम भी पूरा स्वेटर वेटर लगा के हैं, काहे कि ठंडा लग रहा है। 2-3 दिन से एकदम लगातार पानी आ रहा है तो पूरा ठंडा लग रहा है हम लोग को। इसीलिए देखिए यहाँ गद्दा में सब घुस के हैं अभी से। और अभी अभी देखिए थोड़ा फ्रेश व्रेश होके आए हैं, 9-10 बजने वाले हैं और सोचे कि अब ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। अब देखिए डुगु बुगु भी एकदम सो गया। डुगु बुगु सो के पूरा रेडी हो गया है, इतना सो रहा है ये भी। और हम भी दोनों सो रहे हैं एकदम ठनठना के। और क्रिशु का भी अपना फोन हो गया है, ये भी अपना फोन देखते रहता है। ये देखिए अभी इधर फेंक दिया है अपना फोन को। ये देखिए अभी रख के और सो गया है। इसके नाना खरीद के ला दिए हैं छोटा फोन डुगु बुगु का। देखिए आराम से आके बैठ गए बाहर तरफ, तो देखे कैसा मौसम है इसीलिए आके और फिर बैठ गए। और अब सोच रहे हैं कि अब क्या करें। सो बैठे बैठे तो बोरिंग टाइप से भी लग रहा है, तो सोचे कि बैठे बैठे कुछ कर भी लेते हैं। तो वही देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। सो ये देखिए सिलाई करने के लिए जा रहे हैं हम। देखिए इतना सा है, दो और एक ठो उधर है, 3 ठो। और इसको कल सिल लिए हैं, कल भी इसको बैठ के सिल सिल के थे। ये देखिए इसको पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, ब्लाउज बना रहे थे कल और आज इसको कटिंग करेंगे और कल इसको कटिंग करेंगे। रोज एक एक ठो सियेंगे, जब तक रहेंगे तब तक एक एक ठो रोज सिल लेंगे। काहे कि 10-11 बजे तो शुरू करते हैं और फिर डुगु बुगु उठ जाता है उस टाइम, तो सीने भी नहीं सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम बैठ के यहाँ पर काम भी करते जाते हैं, अपना ब्लाउज भी सिलते जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है कि हम यहाँ के अब बैठे भी नहीं रहते हैं, यहाँ अपना भी काम करते रहते हैं और यहाँ पर मम्मी को भी मन लगते रहता है कि यहाँ पर हम आए हुए हैं। सो और हम अपना भी यहाँ ब्लाउज बनाते रहते हैं ताकि मेरा भी कुछ काम बनते रहे और मम्मी का भी काम बनते रहे। तो दोस्तों हमारा ये क्या बोलते हैं काम करने का तरीका आप लोग को कैसा लगता है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा और भी ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग देख पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने काम में व्यस्त रहे दोस्तों, जैसे हम रोज रहा करते हैं। मायके में आने के बाद भी हम हमेशा व्यस्त ही रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। बाय।